हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि बिरयानी और पाया की सबसे बेहतरीन खुशबू कहां से आती है? आज बात करेंगे हम भारत के उस शहर के बारे में, मूसी नदी के किनारे बसे निजामी शान और शौकत के लिए मशहूर कृत्रिम झीलों वाले भारत का वो शहर जो अपने शाही लिहाज के लिए जाना जाता है। लाजवाब मुगलई खान पान और चार मीनार की खूबसूरती से सजा ये शहर बेहद ही खूबसूरत दिखता है। एक ऐसा शहर जहां बौद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस शहर में हिंदू और मुस्लिम एक परिवार की तरह रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नवाबों और मोतियों के शहर हैदराबाद की, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हैदराबाद की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मुगलों और निजामों का शहर कहा जाता है। देखने में ये शहर जितना खूबसूरत है, उतनी ही यहां का रहन सहन और परंपराएं भी खास है। हैदराबाद भारत का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। शहर की आबादी लगभग 70 लाख है। अपनी खूबसूरत इमारतों और लजीज खाने के साथ शानदार वास्तुकला के लिए भी हैदराबाद दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, हैदराबाद के लोगों को हैदराबादी कहा जाता है। इस निजाम शहर की संस्कृति में मुस्लिम संस्कृति का ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। हैदराबाद में महिलाओं को आप पारंपरिक भारतीय कपड़े जैसे साड़ी या सलवार कमीज पहने देख सकते हैं और मुसलमान महिलाओं को बुर्का या फिर हिजाब पहने देखा जाता है। हैदराबाद के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। हैदराबाद में मुख्य रूप से तेलुगु और उर्दू भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हैदराबाद उर्दू की एक अनूठी बोली का घर है जिसे हैदराबादी उर्दू कहा जाता है और ज्यादातर लोग हैदराबादी उर्दू बोलते हैं। हैदराबाद में कई अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं देखने को मिलती हैं। ये खूबसूरत झीलों की शहर ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और पारसी धर्म जैसे कई धर्मों के लोगों का घर है। शहर की संस्कृति पुरानी इस्लामी संस्कृति और तेलुगु लोगों की हिंदू परंपराओं का मिश्रण है। भरमार संस्कृति के शहर हैदराबाद शहर एजुकेशन के मामले में भी काफी आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर की लिटरेसी रेट है 82.96% जो कि भारत की बाकी क्षेत्रों से बहुत अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के सबसे लंबे फ्लाईओवर हैदराबाद में ही मौजूद है जिसके ऊपर से रोजाना लाखों लोग अपना सफर तय करते हैं। इस शहर को भारत के सबसे बिजी शहर भी माना जाता है। शहर की कुल आबादी का ज्यादातर हिस्सा युवा है। हैदराबाद को हाईटेक शहर कहा जाता है और यहाँ के हाईटेक सिटी 12,968 एकड़ में फैली हुई है जो माधापुर, मंडीकोंडा, गचीबोली, नानक रामगुड़ा और कोंडापुर का हिस्सा है। इस इलाके को L&T इंफोसिस के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि हैदराबाद आईटी के क्षेत्र में भारत के दूसरे शहरों की तुलना में काफी तेजी से गति की है। आईटी क्षेत्र में लगातार अपना लोहा मनवा रहे हैदराबाद से हर साल लाखों इंजीनियर्स निकलते हैं। भारत में आईटी क्षेत्र में प्रगति के नाम पर हैदराबाद का नाम सबसे टॉप पर आता है और आईटी क्षेत्र में अच्छी पकड़ के कारण इस शहर को साइबराबाद भी कहा जाता है। हैदराबाद का हाईटेक सिटी राज्य के प्रमुख आईटी परिसरों में से एक है जहां कई बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने कार्यालय बना रखे हैं। जबकि हाईटेक सिटी में ही स्थित इंफोसिस कंपनी ने तो यहां अपना कैंपस तक बना लिया है जिसमें हर साल हजारों इंजीनियर्स को तैयार किया जाता है। अपने एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर इस शहर में लगभग 160 इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाईटेक सिटी में एक मशहूर ऑडिटोरियम शिल्पकला वेदिका जिसे राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर भी है। यहाँ हार्डवेयर पार्क, एरोस्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मेडिकल डिवाइस स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड फैब सिटी शामिल है। क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को कोहिनूर का असली घर माना जाता है? आपको बता दें कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा हैदराबाद की गोलकुंडा में पाया गया था। इसके अलावा हैदराबाद विश्व प्रसिद्ध गहना का घर है। ये मूल रूप से गोलकुंडा की खानों में पाया गया था। इतना ही नहीं, हैदराबाद को मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। हैदराबाद शहर हमारे देश में मोती और हीरे दोनों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। यहाँ चंदनपेट नाम का एक गांव है जो सिर्फ मोतियों की ड्रिलिंग और निर्माण के लिए समर्पित है। अपने लजीज मुगलई व्यंजनों के लिए हैदराबाद दुनिया भर में मशहूर है। हैदराबादी बिरयानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हैदराबादी बिरयानी और पाया की खुशबू के पर्यटक दीवाने होते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं और हैदराबाद में हैं तो हैदराबादी बिरयानी, पाया, हलीम और खुबानी का मीठा जरूर टेस्ट करें। इसके अलावा आप कीमा समोसा जो कि बेहद ही लजीज होता है, बोटी कबाब और लुखमी का मजा लेना न भूलें क्योंकि हैदराबाद की ये खास व्यंजन पर्यटकों को बार बार हैदराबाद आने के लिए मजबूर करते हैं। हैदराबाद की गाची बावली में फास्ट फूड की दुकानें की कतारें हैं जो आमतौर पर शाम के समय से खाना परोसना शुरू करती है। DLF स्ट्रीट इस क्षेत्र का एक लोकप्रिय अड्डा है जिसमें रोजाना हजारों के कगार पर फास्ट फूड प्रेमियों की भीड़ लगी रहती है। हैदराबाद के स्ट्रीट फूड में कई तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां भी शामिल है। जोजी हलवा, बादाम हलवा, फिरनी,
जो कि एक मलाईदार मीठा पकवान है, हैदराबाद का सबसे फेमस मिठाई है। खाने की बात हो गई तो जरा पीने की भी बात कर ही लेते हैं। हैदराबाद ईरानी चाय का हब है। चाय के इस फारसी ब्रांड ने शहर के सभी चाय प्रेमियों को प्रभावित किया है। शहर में लगभग 25 ईरानी चाय कैफे हैं। दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपने दमदार खेल प्रदर्शन से दुनिया में पहचान बना चुकी जांबाज खिलाड़ी मिताली राज हैदराबाद में रहती है। मिताली राज के अलावा टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, बैडमिंटन सितारा साइना नेहवाल, अब्बास अली बैग जैसे कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैदराबाद रहते हैं। वहीं हैदराबाद में स्थित तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आप फिल्मों के बेहद शौकीन हैं तो आपको एक बार हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी जरूर आना चाहिए। 1996 में रामोजी समूह के प्रमुख रामोजी राव द्वारा स्थापित रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद शहर के बाहर एक शानदार टूरिस्ट प्लेस है। ये 1666 एकड़ में फैला हुआ है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स का दर्जा दिया गया है। हैदराबाद में हर साल टॉलीवुड की सैकड़ों फिल्में बनाई जाती है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने वाली भारत की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली भी हैदराबाद में ही बनी। रामोजी फिल्म सिटी स्टूडियो कॉम्प्लेक्स होने के अलावा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और हैदराबाद आने वाले सैलानी यहाँ जरूर आते हैं। हैदराबाद के इतिहास की बात की जाए तो किसी समय में इस खूबसूरत शहर को कुतुब शाही परंपरा के पांचवे शासक मोहम्मद अली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार के तौर पर भेंट किया और इसी कारण से कई लोग और कई इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि हैदराबाद का नाम किसी समय में भाग्यनगर हुआ करता था। साथ ही ये भी बता दे कि हैदराबाद एक रियासत थी और 1947 में बने नए स्वतंत्र भारत का हिस्सा नहीं थी। जी हाँ, हैदराबाद पर तब भी निजामों का शासन था। कुछ महीने बाद भारतीय सेना ने जब शहर पर आक्रमण किया तब जाकर हैदराबाद देश का हिस्सा बनने के लिए सहमत हुआ। आपको बता दें कि पूरे शहर में बड़े स्तर पर दशहरा, रमजान, ईद, क्रिसमस, दिवाली और नवरात्रि जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। इन त्योहारों में आपको हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिलेगी। संस्कृतियों और जातीयता के मिश्रण होने के नाते हैदराबाद की अपनी बहुत सारी त्योहारों की श्रृंखला है जो अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए अनोखी मानी जाती है। त्योहारों की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि हैदराबाद का टेकन महोत्सव एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे हर साल हैदराबाद में पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है। इनके साथ ही मुहर्रम, बोनलू, संक्रांति और राखी जैसे अन्य त्योहारों को भी नवाबों की इस शहर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, सुल्तानों का ये शहर शॉपिंग के लिए भी बेहद पसंदीदा जगह है। हैदराबाद में आप घरेलू सामान से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ खरीद सकते हैं। हैदराबाद में सबसे बड़े और सबसे पुराने बाजारों में से एक है बेगम बाजार। हैदराबाद में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वहीं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सबसे लोकप्रिय बाजारों में से एक है लाड बाजार। पुरानी विरासत संरचना और आधुनिक इमारतों के संयोजन के साथ लाड बाजार चूड़ियों, पाथर घट्टी की मोतियों और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा टबैको मार्केट, परफ्यूम मार्केट भी शहर के प्रमुख बाजारों में से एक, जहां आप जमकर शॉपिंग का मजा उठा सकते हैं। हैदराबाद में कला और संस्कृति की बात की जाए तो कथक एक लोकप्रिय नृत्य है जिसकी शुरुआत मुगल और नवाबों की अदालतों में हुई थी और हैदराबाद शहर में सबसे प्रसिद्ध नृत्य के रूप में से ये एक है। कथक के बाद कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य का स्थान है। साथ ही हैदराबाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटका शास्त्रीय संगीत और परंपराओं और संस्कृतियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आपको हैदराबाद में स्थित विभिन्न कला और सांस्कृतिक केंद्रों जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको विशिष्ट नवाब शैली वाले चित्रों और समकालीन पेंटिंग्स का शानदार प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। भारत के इस खूबसूरत शहर के नवाबी आदर, सत्कार और शाही खानपान को देखकर आपको लगेगा कि वाकई में आप किसी निजाम के शहर में आ गए हैं। यहाँ पर स्थित कई ऐतिहासिक मंदिर और इमारतें देश विदेश में इस शहर की एक अलग पहचान बनाती है। निजामी ठाट बाट के लिए प्रसिद्ध इस शहर में बनी सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है चार मीनार, जो इस शहर को मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अगर आपने हैदराबाद आकर चार मीनार नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। चार मीनार हैदराबाद के केंद्र में स्थित सबसे प्रमुख स्थल है। हैदराबाद की स्थापना को दर्शाने के लिए कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। चार मीनार की वास्तुकला से ही इसका नाम का अर्थ साफ हो जाता है। आप समझ ही गए होंगे कि चार मीनारों के लिए इसका नाम चार मीनार रखा गया है। 1591 में स्मारक के निर्माण के बाद से चार मीनार हैदराबाद की संस्कृति का मुख्य केंद्र है जो पिछले समय के गौरवशाली दिनों की याद दिलाता है। ये संरचना मक्का मस्जिद और प्रसिद्ध लाद बाजार के चारों ओर स्थित है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील के रूप में प्रसिद्ध हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित सबसे लोकप्रिय पर्यटन आकर्षणों में से एक है। आपको बता दें कि हैदराबाद को कृत्रिम झीलों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में कृत्रिम झीलें मौजूद हैं। साथ ही हैदराबाद के हुसैन सागर में स्थित बुद्ध की प्रतिमा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। हुसैन सागर में स्थित इस बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई 18 मीटर और 450 टन इसका वजन है। दुनिया भर में प्रसिद्ध बुद्ध की इस प्रतिमा को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक हैदराबाद आते हैं और इस शानदार बुद्ध की मूर्ति के नजारे का लुत्फ उठाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हैदराबाद में स्थित एक और मजेदार टूरिस्ट प्लेस और वो है शहर का सबसे बड़ा स्नो थीम पार्क। और ये पार्क
पार्क लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है और बूढ़े और बच्चों दोनों के लिए कई सवारी है। इसके अलावा हैदराबाद के खूबसूरत शहर के पश्चिमी भाग में हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोलकुंडा किला सबसे अच्छे संरक्षित स्मारकों में से एक है। गोलकुंडा किला की चर्चाएं आपको दूर दूर तक सुनने को मिल जाएंगी। इस किले का निर्माण 1600 के दशक में पूरा किया गया था। गोलकुंडा फोर्ट की संरचना लगभग 400 फीट की है और अब ये यात्रियों, इतिहासकारों और आम आदमी के बीच एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। गोलकुंडा किले की वास्तुकला, कहानियाँ, इतिहास और रहस्य इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं और इसे हैदराबाद के दर्शनीय स्थलों में से एक है। इन सब से जाहिर होता है कि पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से बेहद ही खास है ये शहर। आपको बता दें कि जल्द ही हैदराबाद में पर्यटकों को भारत की पहली इंडोर स्काई डाइविंग की सुविधा भी मिलने जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं आपको हैदराबाद घूमने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 7 से 8 दिन में लगभग 65 से 70 हजार रुपए खर्च करने होंगे। पर हेड आप अगर फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको पहले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना होगा। इसके अलावा बस या ट्रेन से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी देश की टेक्नोलॉजी से भरपूर शहर हैदराबाद की कहानी। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है हैदराबाद से तो हमें जरूर बताना। क्या कभी आपने विजिट की है हैदराबाद की तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।